अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस के बारे में कि मैथमेटिक्स के आपके जो मोस्ट अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा मैथमेटिक्स के प्रिपरेशन पेपर अनीस हुसैन के, क्योंकि मैंने अपने चैनल के अंदर टारगेट पेपर ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया था, लेकिन इस वीडियो के अंदर क्या बताऊंगा आपको अनीस हुसैन के जो मोस्ट क्वेश्चन उन्होंने प्रोवाइड किए हैं और कहा गया है कि इससे प्रैक्टिस कर लें, तो वो देख लेते हैं और देखेंगे हमने जो टारगेट पेपर दिया था कि उसके अंदर ये क्वेश्चन आए हैं कि नहीं आए हैं। ठीक है, तो एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे। बस ये कहूंगा आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि तमाम इन्फॉर्मेशन आपको वक्त पर और फौरन से मिल सके। तो फिर देखते हैं स्क्रीन में कि कौन कौन से क्वेश्चंस अनीस हुसैन के इंपॉर्टेंट हैं। अब आपकी स्क्रीन में शो हो रहा होगा अनीस हुसैन मैथमेटिक्स के प्रिपरेशन पेपर को, तो देख लेते हैं कि इस पेपर में क्या क्या क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर वन में आ जाते हैं। सबसे पहले मैंने भी चैप्टर नंबर वन का बताया था आपको, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 6 और 7, जबकि क्वेश्चन नंबर 5 है एंड क्वेश्चन नंबर 6 है उसका पार्ट 7 और 8 और क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, हर एक्सरसाइज की तैयारी करना अच्छे से। फिर उसके बाद लिखा हुआ है एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 6 और क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 7, तो इससे भी तैयारी कर लेना, इंशाल्लाह आपके बोर्ड में अच्छे मार्क्स आएंगे। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 और 5, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। रिव्यू एक्सरसाइज से तो फिलहाल मुझे नहीं लगता है कोई सवाल आएंगे, लेकिन इन्होंने शो किया तो आप कर लो। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, वीडियो एक्सरसाइज से इसके। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 में आते हैं और चैप्टर 2 को देखते हैं कि इसके कौन कौन से एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। तो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर आपके पास 7, क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 11 और आपके पास 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, जबकि एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3, पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 5। उसके बाद क्या है आपके पास 2.4 आ गया, उसका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2, 4, 5, 6 और क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये कंप्लीट है। उसके बाद 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 और 2, क्वेश्चन नंबर 2.6 का आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 कंप्लीट, अच्छे से तैयारी करना। ठीक है, ये लॉन्ग में आएगा। ठीक है, 3, 4, 5, 6, आप वीडियो पूरी देखोगे तो आपको पता चलेगा कौन चीज़ लॉन्ग में आ सकता है, कौन चीज़ शॉर्ट में आ सकता है, तो आप चीज़ें आप देखते जाना। उसके बाद आपके पास एक्सरसाइज 3.2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 8 और 14, इसकी तैयारी करना है। 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5, 7, 9, 10 और 11, यहाँ तक ना, ये अनीस हुसैन का प्रिपरेशन पेपर है, ये मेरा प्रिपरेशन पेपर नहीं है, मैं ऑलरेडी अपने चैनल में अपलोड कर रहा हूँ रेगुलर बेसिस में, आप जाके उसे चेकआउट करते रहना। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास 3.4 डायरेक्ट है जिसका 5, 7, 9, 10, 11 है, फिर 3.5 है उसका 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 है, जबकि आपके पास 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 5 और 6 है, जबकि रिव्यू एक्सरसाइज का 3, 4, 5, 6 और 7 है। ठीक है, उसके बाद आपके पास 4.2 आ जाता है, तो 4.2 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 10, उसके बाद 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 6 और 7, 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, फिर उसके बाद 5, 6, 7, 8 और 9, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4.5 का क्वेश्चन नंबर 3, 5 और 6, 4.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 और पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। एक्सरसाइज 4.7 क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, 4.8 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, देन 4.9 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9, और इसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज का 3, 8, 9 और 10। चैप्टर नंबर 5 आता है मैसिलेशन सीरीज जो था आपके पास, उसकी प्रैक्टिस करना है। 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 7, 8, 10, 11 और 12, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 3, 6 और 9, जबकि एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 6, 4 और 5, एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 3, 7 और 6, इनके तमाम सवाल के जवाब मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप जाके उसे भी चेकआउट कर सकते हो ताकि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, आपको तमाम सवाल मिल जाएँ। चैप्टर नंबर 6 आपके पास प्रोबेबिलिटी वाला आता है, 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2, 4, 6, 10, 11, 14, 12, 16, 18 और 19,
जबकि 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 6.4 का 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17 and 18 और रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, 6 and 7। उसके बाद आपके पास एक्सरसाइज 7.1 का जो आपका मैथमेटिकल इंडक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट पूरे 7 तक है, ठीक है, रिक्वायर 12 तक है, ठीक है, जबकि मतलब 14 तक है। और क्वेश्चन नंबर 2, 7.2 का बेटा क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, जबकि 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2, 5 का पार्ट 1, 3, 5 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 and 9, रिव्यू एक्सरसाइज 3 and 5, ठीक है। उसके बाद 8 चैप्टर आ जाता है आपके पास, ये आपके पास ग्राफ वाला चैप्टर है। 8.1 का क्वेश्चन 7, 9, 10, 11, 13, 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 and 4, एक्सरसाइज 8.3 का 5, 6, 7, 8 और 3, 4, 5 क्वेश्चन नंबर 8.4 का। 9 का मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवाया है, 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 and 2 एंड उसका पार्ट 1 and 3, 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जिसका पार्ट 1, 3, 6, क्वेश्चन नंबर 2, 3 and 4, ठीक है। 10 आपके पास ट्रिग्नोमेट्री आता है, तो 10.1 का आपके पास 5, 6, 7, 8 और 3 का पार्ट 2, 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2, 7 और 6, जबकि 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and 20, जबकि 10.4 का 3, 4 and 5 और रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का 3, 4, 5, 6 पार्ट। 11 आपके पास फिर से ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन शायद आते हैं फंक्शंस के, तो 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6, 7 and 8, जबकि आपके पास 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 11.3 का क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 1, पार्ट 5, क्वेश्चन 2, 3 and 4, 11.4 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 and 6 और इसके रिव्यू एक्सरसाइज देख लेगा 2, 6, 7, 8, 10, 12, 13, जबकि 12.1 आपके पास लास्ट चैप्टर, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 and 4, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 7, 8, 9, 10, 12, जबकि क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 का पार्ट 1, 3, 4, 5, 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12.3 का क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 एग्जांपल नंबर 1, 2 पेज नंबर 366, 12.4 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, 3, 5, 7, 8 एंड क्वेश्चन नंबर 5, जबकि 12.5 का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, जबकि रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 and 5। तो ये मैंने आपको तमाम बता दिया, आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। अनीस हुसैन के क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन तमाम क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से करना ताकि बोर्ड के पेपर में अच्छे मार्क्स से हासिल कर सको। तो अपना ख्याल रखना, अपने इर्द का ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना, फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन को क्लिक कर देना ताकि तमाम इन्फॉर्मेशन आपको वक्त पर फौरन से मिलते रहे, ठीक है। तो बस ये कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो अपना ख्याल रखना, अपने इर्द का ख्याल रखना, दुआओं में याद रखेगा, फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।